The recent success of our scientists and technicians in developing two COVID vaccines is a matter of achievement for the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is driven by the spirit of global well-being. आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हमारे देश को किसी भी आपदा, किसी भी महामारी या सामान्य जरूरतों में किसी भी दूसरे मुल्क का मुंह न ताकना पड़े। इसकी सबसे ताजा और आसान और कहा जाए तो सबसे बड़ी मिसाल है कोरोना वैक्सीन निर्माण। भारत ने अपने दम पर कोरोना की एक से ज्यादा वैक्सीन को विकसित किया और 16 जनवरी से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। यह अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। ये वैक्सीन केवल भारत तक ही सीमित नहीं है और दुनिया के कई देशों में इसका निर्यात भी शुरू हो गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी सफलता, लेकिन ये केवल एक शुरुआत भर है। ये भरोसा भी है कि भारत जो ठान ले वो करके दिखा सकता है, लेकिन चुनौती इसके बाद से शुरू हो जाती है। दरअसल भारत के ये आत्मनिर्भर बनने की कहानी चीन को चुनौती देने के साथ शुरू होती है। गलवान घाटी में चीन का दुस्साहस और उसके सामानों के बहिष्कार ने इस मिशन को एक देशव्यापी आंदोलन बना दिया है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के कई सेक्टर्स अपनी जरूरत के लिए चीन पर निर्भर हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। भारत सरकार ने भी सबसे पहले इसी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2014 में देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, वहीं अब इनकी संख्या 268 पर पहुंच गई है। इसकी रफ्तार बढ़ाने के मकसद से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI शुरू की गई है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और कई दिग्गज MNCs ने भारत में आकर प्लांट शुरू करने के लिए आवेदन किया है। योजना के तहत भारत में मोबाइल और इससे जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनियों का कारोबार अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ पर पहुँचने की उम्मीद है। इनमें से 70% को निर्यात लक्ष्य के तहत रखा गया है। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को उनके उत्पादन के 4 से 6% के करीब इंसेंटिव देगी। मोबाइल स्मार्टफोन के अलावा देश को लैपटॉप, मशीन टू मशीन उपकरण, इंटरनेट आधारित उपकरणों का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी भी चल रही है। PLI स्कीम का मकसद है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देना, लेकिन ये कदम आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए काफी नहीं है। PLI स्कीम का फायदा तब मिलेगा जब एक तय संख्या में प्रोडक्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन इन कंपनियों को आते ही इस मोर्चे पर पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा है। सैमसंग और एप्पल के वेंडर समेत कई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि वो PLI के तहत इस साल के प्रोडक्शन टारगेट को हासिल करने से चूक सकती है। इसकी वजह है चिप की सप्लाई में कमी और COVID-19 से पैदा हुई सप्लाई की दिक्कतें। अमेरिकी बैन की आशंका से डरकर हुवावे ने इलेक्ट्रॉनिक चिप का 2 साल का स्टॉक पहले ही खरीद लिया। इसकी वजह से सप्लायर्स ने भारतीय कंपनियों की सप्लाई 97% कम कर दी है। ऐसे में साफ है कि अकेले PLI स्कीम से कुछ नहीं होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ हासिल करना होगा, जिसका रास्ता बजट दिखा सकता है। उत्तर प्रदेश ने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है, उसकी ब्रांडिंग की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, ODOP के माध्यम से, ऐसे ही अन्य राज्य भी करें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरा ये मानना है कि हर एक सेक्टर में आज जो उपलब्धियां हमारे सामने हैं वह कहीं ना कहीं इन परंपरागत उत्पादों के माध्यम से है। आत्मनिर्भर भारत यानी मैन्युफैक्चरिंग में खुद के पैरों पर खड़े होकर देश की आर्थिक रफ्तार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।